क्वेश्चन नंबर 10, 2 point charges plus q and 4q are separated by distance 6. Find the point joining the two charges where the electric field is zero. ठीक है, यानी कि there are 2 point charges plus q and 4q and these two charges are separated by distance 6. ये दोनों चार्ज हैं, कितने डिस्टेंस सेपरेटली हैं? 6 है ना. कहने की फाइंड द पॉइंट जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, इन दोनों पॉइंट तो आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर इन दोनों चार्ज से रिड्यूस हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जो है जीरो. ठीक है, चलिए आंसर टेन आ जाइए. आपके पास देखिए दो चार्ज है, एक प्लस क्यू, ठीक है, और एक क्या है माइनस, और एक प्लस 6 प्लस 4. और ये क्यू वन इसको टू क्यू हो गया, और क्यू टू इसको भी कितना है क्यू टू 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 4. इनके बीच के डिस्टेंस कितने बचे हैं? डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस इज 6 है ना. वी हैव टू फाइंड पॉइंट एड्रेस इलेक्ट्रिक डेंसिटी टू दी टू चार्ज इज 0. तो अगर तुम आते कि लेट फील्ड इज जीरो एट पॉइंट पी व्हिच इज द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्यू वन चार्ज, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम क्यू टू चार्ज क्या हो जाएगा? 6 से माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपके क्या 6 है. ये डिस्टेंस आपने एक्स मान लिया है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए पॉइंट पी पर लेट फील्ड क्या करें? 0. पॉइंट पी पर लेट फील्ड क्या करें? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक ऑफ दिस टू फील्ड बी दिस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो टू फाइंड डायरेक्शन बी प्लेस टेस्ट चार्ज एट पॉइंट बी. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इफ यू प्लेस टेस्ट चार्ज लेट दिस इज टेस्ट चार्ज, देन दिस चार्ज इज रिपेल्ड बाय q1, सो चार्ज मूव अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस लेट टू चार्ज बी ए एंड बी. तो टेस्ट चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ए बी. एक टेस्ट चार्ज पी से किधर मूव करेगा? ए बी डायरेक्शन है ना. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज ए इज अलोंग ए बी टुवर्ड्स चार्ज बी है ना. अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? आप डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज बी निकालते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज बी जो होगा इस पॉइंट पर हमने चार्ज रखा, ये चार्ज क्या होगा? रिपेल होगा. रिपेल होकर किधर जाएगा? ए की तरफ जाएगा ना. तो फील्ड तो 4q क्या हो जाएगा? अलोंग बी ए टुवर्ड्स ए इज इक्वल है ना. तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? मतलब नेट फील्ड क्या होगा? ये आपका इक्वल हो गया. तो नेट फील्ड होगा डिफरेंस ऑफ दिस टू फील्ड हो जाएगा ना. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई टू माइनस वेक्टर ई फोर हो जाएगा. ई टू वेक्टर ई वन वेक्टर माइनस ई टू है ना. ठीक है, इसके बाद क्या जीरो है? जीरो फोर हो गया, ई वन वेक्टर माइनस ई टू है ना. ठीक है, इसके ईवन वेक्टर इज टू क्या हो जाएगा? ई टू वेक्टर हो जाएगा है ना. आप ईवन की वैल्यू रख दीजिए, ईवन की वैल्यू कितना बताइए? 1/4πε0 चार्ज q1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r1² इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r2² 1/4πε0 लेफ्ट 1/4πε0 राइट कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या बचेगा बताओ? q1² अपॉन r1² है ना, इक्वल टू देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/x²
minus x whole square. But taking square root in both, taking square root in both side, so 1 by x is equal to क्या जाएगा? Plus minus 1 by x is equal to 2 upon 6 a minus x. ठीक है ना? अब एक बार positive sign ले लेते हैं, एक बार negative sign ले लेते हैं. तो taking positive sign, जब positive sign लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 by x is equal to हो जाएगा 2 upon 6 a minus x. 6 a माइनस एक्स ना, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो सिक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू टू, टू एक्स हो गया. तो सिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा. यहाँ से थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? तो चार्ज पॉइंट इज एट डिस्टेंस टू ए फ्रॉम चार्ज ए, चार्ज ए से कितने डिस्टेंस पर होगा? टू ए पर. अच्छा देखिए नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन. अब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन सिक्स माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा बताइए? सिक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स है ना. तो सिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा. तो सिक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स. यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स माइनस सिक्स ए. तो दूसरा पार्ट क्या होगा बताइए? दूसरा पार्ट सेकंड दूसरा पोजीशन जो है पॉइंट इज एट डिस्टेंस सिक्स ए फ्रॉम चार्ज क्यू वन इन लेफ्ट ऑफ क्यू वन, एट डिस्टेंस सिक्स ए लेफ्ट ऑफ क्यू वन है ना. जैसे ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि पॉइंट इज लेफ्ट ऑफ क्यू वन, क्योंकि राइट डिस्टेंस हमने क्यू वन की राइट डिस्टेंस हमने पॉजिटिव माना और हमारी डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट इज लेफ्ट ऑफ क्यू वन, लेफ्ट ऑफ क्यू वन ठीक है. आउट ऑफ टू चार्ज है ना, दोनों चार्ज के बाहर लेफ्ट ऑफ क्यू वन ठीक है. तो देखिए दो पॉइंट पास फील्ड है, तो फील्ड इज जीरो, फील्ड इज जीरो, फील्ड इज जीरो, फील्ड इज जीरो, जीरो जीरो इसको देखा नहीं आपने? बताया क्या? एट डिस्टेंस टू ए ना, एट डिस्टेंस टू ए बिटवीन टू चार्जेस, एट डिस्टेंस टू ए बिटवीन टू चार्जेस ना. एक तो पॉइंट ए पास में है, दूसरा पॉइंट क्या पास में है बताइए? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पोजीशन क्या पास में है? सेकेंड पोजीशन जो है एट पॉइंट, एट पॉइंट एट पॉइंट एट डिस्टेंस सिक्स ए फ्रॉम चार्ज क्यू वन, फ्रॉम चार्ज क्यू वन, फ्रॉम चार्ज क्यू वन लेफ्ट ऑफ टू चार्ज, लेफ्ट ऑफ क्यू वन, लेफ्ट ऑफ क्यू वन आउट साइड ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बाहर लेफ्ट में सिक्स डिस्टेंस पर होगा. देख क्या तेरा आंसर, देखिए आंसर क्या है. बिटवीन टू चार्ज तो कहीं नहीं रहे, फाइंड द पॉइंट जॉइनिंग द टू चार्जेस बाय द फील्ड जीरो. चलो